बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कीमा भरी शिमला मिर्चे बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कीमा। आप चाहें बीफ का कीमा ले लें या मटन का, मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 किलो कीमा है। शिमला मिर्चें 6 अदद तकरीबन मीडियम साइज़ की, और इनको आपने ऊपर से कैप बनाकर काटना है और अंदर से इनके बीज वगैरह निकाल कर साफ कर लेना है ताकि कीमे की स्टफिंग अच्छी तरह से हो सके, और शिमला मिर्चों को नीचे से बैलेंस कर लें ताकि शिमला मिर्चें खड़ी हो सकें। प्याज 2 अदद बड़े साइज के, इन्हें मैंने बारीक काट कर रखा हुआ है। यहां पर मैंने एक प्याज अलग काट कर रखा हुआ है और एक अलग, वो इसलिए कि एक प्याज बारीक कटा हुआ मैं पहले इस्तेमाल करूंगी और एक बाद में इस्तेमाल करूंगी, और 4 अदद टमाटर बारीक कटे हुए चाहिए होंगे, और लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके, जीरा पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, कलौंजी 1 टेबलस्पून, सिरका 3 टेबलस्पून, और तेल 3/4 कप, और टूथपिक्स चाहिए होंगी कैप्सिकम को बंद करने के लिए, और 1 अदद कोयला चाहिए होगा बारबेक्यू का इफेक्ट देने के लिए। अगर आप कोयले का धुआं नहीं देना चाहते तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप 1/2 कप तेल गर्म कर लें। इसमें आप बारीक कटे हुए प्याज डाल दें और प्याजों को आप हल्का सुनहरी माइल ब्राउन कर लें। जब प्याज हल्के सुनहरी माइल हो जाएं, तो आप इसमें अदरक लहसुन डाल दें और थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें कटे हुए टमाटर डाल दें और इनको भी आप अच्छी तरह से भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, कलौंजी और सिरका डाल दें और थोड़ा सा और भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें कीमा डाल दें। और इसको अच्छी तरह से भून लें। जब कीमे का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और कीमा अच्छी तरह से भुन जाए, तो आप इसमें प्याज, हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें और चूल्हा बंद कर दें आप। अच्छी तरह मिलाने के बाद अब आप इस कीमे को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दें
और इस कीमे के साथ आप इन मिर्चों की स्टफिंग कर लें, इस तरह से आप भर लें। इसके बाद आप ऊपर कैप रखें इसकी और टूथपिक्स के साथ आप इस तरह से इसको बंद कर दें, इस तरह। इस तरह से आप बंद कर दें। इसी तरह से आप सारी मिर्चों की स्टफिंग कर लें। सारी स्टफिंग करने के बाद आप क्वार्टर कप तेल गरम कर लें और इन मिर्चों को आप इसमें तल लें। और हर तरफ से आप इन्हें तल लें। सारी साइडें अच्छी तरह से तल लें और साथ ही आप कोयला भी तैयार कर लें। अच्छी तरह मिर्चों को तलने के बाद आप ये बचा हुआ कीमा सारा इसमें डाल दें। और इन्हें अच्छी तरह से मिला लें। और अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर दम दे दें 10 से 15 मिनट के लिए। दस से 15 मिनट दम देने के बाद आप इसमें कोयला रख लें और कोयले के ऊपर आप थोड़ा सा तेल डाल दें और इसका ढक्कन बंद कर दें। दो से तीन मिनट कोयले का धुआं देने के बाद आप कोयला निकाल लें और कीमा भरी शिमला मिर्चें तैयार हैं। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। इसके बाद आप ये टूथपिक्स निकाल लीजिए लीजिए। कीमा भरी शिमला मिर्चें तैयार हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी।
हदीसे पाक इस तरह से है, हज़रत अबू हरेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि ना कातिल को मालूम होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और ना मकतूल को ख़बर होगी कि वो क्यों कत्ल किया गया। यानी इस हदीसे पाक का मतलब इस तरह से है कि दुनिया में ऐसा फसाद और बिगाड़ ज़ाहिर होगा कि अंधाधुंध कत्ल होंगे, खून नाहक एक आम बात हो जाएगी, इंसान का खून इतना सस्ता हो जाएगा कि कत्ल व खून रेजी के वाक़यात पर किसी को कोई हैरत ना होगी। यानी कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला उनमें बज़ाहिर ज़ाती किस्म की कोई दुश्मनी नहीं होगी। कत्ल इतना बड़ा गुनाह है कि इसके मुतल्लिक कुरान पाक में अल्लाह ताला इस तरह इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मोमिन को दानिस्ता कत्ल कर डाले तो इसका बदला जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा और खुदा का गज़ब और लानत इस पर होगी और इसके लिए बड़ा अजाब तैयार है। दरअसल कत्ल का मामला इंतहाई संगीन है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि क़्यामत के रोज़ हुकूकुल इबाद में सबसे पहले लोगों के इन मुकदमात का फ़ैसला किया जाएगा जो कत्ल से मुतल्लिक होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुसलमा को हदायत अता फ़रमाए और अपने नेक बंदों की राह पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। क्योंकि ये वही दौर है जिसका हदीसे पाक में ज़िक्र है। और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।